मित्रों, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हाड़जूर कौन सी होती है, या पेड़ होता है, या फिर इसकी बेल होती है, क्या होता है, हमें ज़रूर बताए, इसका बीज हमें दे, इसका पेड़ हमें ला कर दे, कहाँ मिलेगी। काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी क्वेश्चन लोगों के थे, तो आज उनको बताना चाहूँगा। ये देखिए, मेरे सामने जो हमने गमले में लगा रखी है, ये होती है हाड़जूर। जैसे हमारी हड्डियाँ जुड़ी होती है, वैसे इसकी देखिए कलियाँ जुड़ी होती है हड्डी की तरह। और इसके जो तना होता है, उसके चार कॉर्नर होते हैं, और इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं, और ये इस प्रकार से चलती रहती है बेल की तरह, और ये इनके रेशे होते हैं। इस प्रकार इसको बोला जाता है हाड़जूर। हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करती है, हड्डियों को बहुत ही जल्दी जोड़ने का काम करती है। इसका पाउडर भी सेवन किया जाता है, इसको कच्ची इसकी पत्तों की चटनियाँ या इसकी तने की चटनी बनाकर भी सेवन किया जाता है। और इसको कई बार, जैसे हमने इसका तेल के अंदर यूज किया था, तेल के अंदर इसको हमने पकाया था, तो तेल भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है जोड़ों के दर्द के लिए। तो ये होती है हाड़जूर। इसकी लगाया कैसे जाता है, इसकी ऐसे कहीं से भी इसको तोड़ करके ज़मीन में उगा दिए, जैसे हमने ये लगाई थी कि ये वाली लगाई थी, तो इसका यहाँ से ये बूटा फूट के ऊपर निकल गया है। तो हमने भी इसी प्रकार गमले में लगाई थी, तो आपके भी आसपास ये देखिए, पहचान कर लीजिए, ऐसी हाड़जूर होती है। और वात रोग के लिए बहुत ही सर्वोत्तम औषधि मानी गई है हाड़जूर को, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। ये होती है हाड़जूर, आप पहचान कर लिए। काफ़ी लोगों के कॉमेंट आ रहे थे, तो आज हमने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार से बेल होती है जो लगातार बढ़ती रहती है। आप इसे गमले में भी लगा सकते हो, ज़मीन में भी लगा सकते हो, तो ये अपने आप बढ़ती रहेगी, लेकिन पानी की भरपूर मात्रा इसको चाहिएगी। तो हमने भी देखिए, करीब एक डेढ़ महीने पहले छोटे से गमले में ये बूटे हमने लगाए थे, और ये हम रहते हैं हरियाणा के अंदर, और हमने ये MP से मंगवाए थे, मध्य प्रदेश से किसी के हाथ हमने मंगवाए थे थोड़ी सी कलियाँ, और हमने दो तीन गमलों के अंदर ये लगा दी है। और जब ये बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो हम, जैसे हमारे कुछ चाहने वाले हैं जो मित्र जहाँ पर नहीं होती है हाड़जूर, उनको हम कोरियर के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके आसपास मिल जाते हैं तो आप इसको पहचान कर लीजिए, कि तने के चार कॉर्नर होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे इसके रेशे होते हैं, और लगातार ये बढ़ती रहती है बेल की तरह। और ये देखिए, छोटा सा तुलसी का पौधा भी इसके अंदर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हाड़जूर की आइडेंटिटी पता लग गई होगी, पहचान आपको पता लग गया होगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी भी जोड़ों में दर्द रहता हो, तो आप हाड़जूर का इस्तेमाल कर सकते हो।